बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं मैं आपके लिए। आज की वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रही हूं वो है स्टडी वीजे के बारे में, क्योंकि मोस्टली अब बच्चे क्या है, स्टडी वीजे के लिए ही कनाडा जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूं कि स्टडी वीजे के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पेन और कॉपी लेकर आप ये डॉक्यूमेंट नोट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी सबसे पहले आप देख सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्टडी वीजे के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या है, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना जरूरी है और उसके बाद प्लस टू की मार्कशीट होना जरूरी है। 10th और प्लस टू की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो भी असली, फोटोकॉपी नहीं, असली सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है, अगर आपने बीटेक की हुई है तो इसमें आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलेगा जहां आपने एडमिशन लेकर जिस कोर्स को कंप्लीट किया है, और आपके पास इसकी डिग्री होना भी जरूरी है। और इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक जितने भी आपकी मार्कशीट हैं वो भी आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो, कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये बिल्कुल ही कंसोलिडेट की तरह होती है, सिर्फ नाम चेंज होता है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। और जो आपको डिग्री मिली है तो डिग्री भी आपके पास होना जरूरी है। और उसके बाद आगे आ जाता है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा और कोई पढ़ाई की है या फिर आपने कोई अवार्ड वगैरह लिया हुआ है, उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है अवार्ड का, तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो वो भी आपके पास असली प्रूफ आपके पास होने चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट आप साथ में लगा सकते हैं। ये तो हो गए सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आगे आ जाता है आपके अदर डॉक्यूमेंट, जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से अलावा कौन 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 से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसके बारे में आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज ये आपके पास होना चाहिए। और आगे आ जाता है ऑफर लेटर, कैनेडा के जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिली है वहां से जो आपको ऑफर लेटर मिला है वो भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आगे आ जाता है आईएलएस, क्योंकि स्टडी वीजा के लिए आपको आईएलएस करके जाना पड़ता है, तो आईएलएस का जो स्कोर कार्ड है वो भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आगे आ जाता है ई मेडिकल, ये भी आपके पास होना चाहिए। आगे आ जाता है जीआईसी रिकॉर्ड, जीआईसी का रिकॉर्ड भी आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आगे आ जाता है एसओपी फॉर वीजा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये भी आपके पास बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है आपका बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ रिज्यूमे, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये तो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके हो गए अदर डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अलावा। अब हम बात करेंगे फादर के डॉक्यूमेंट की, जो भी इंसान आपको स्पॉन्सर करता है उसके डॉक्यूमेंट की जरूरत भी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो मोस्टली फादर ही स्पॉन्सर करते हैं तो फादर के डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा स्पॉन्सर वाला एफिडेविट, जिससे ये पता लगता है कि कौन से इंसान ने आपको स्पॉन्सर किया है, इसका प्रूफ इसी से शो होता है, तो आपको स्पॉन्सर वाला एफिडेविट साथ में लगाना होता है। उसके बाद आगे आता है नेम चेंज एफिडेविट, ये जो नेम चेंज एफिडेविट है सबके लिए नहीं है लेकिन उन पर्सन के लिए है जिन बच्चों के पिता का नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग अलग है। काफी जगह पे सरनेम यूज किया जाता है और काफी जगह पे नहीं किया जाता, तो इससे क्या होगा, अगर आप नेम चेंज एफिडेविट लगा देते हो तो इससे ये शो होगा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में जो पर्सन का जो नेम है ये एक ही इंसान है,
तो इसे शो करने के लिए आपको नेम चेंज एट्रीब्यूट साथ में लगाना पड़ता है, तो ये भी आपने बना के रखना होता है अगर फादर का नेम अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग है। उसके बाद आगे आ जाता है बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स, आपके फादर की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ये भी जरूरी है। उसके बाद आगे आ जाता है बैंक बैलेंस ऑफ सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, चेक कार्ड भी आपके पास चाहिए। और उसके बाद आगे आ जाता है पिछले 3 साल की आईटी रिटर्न्स का जो रिकॉर्ड है वो भी होना चाहिए, 3 साल की आईटी की रिटर्न्स भरी हुई है आपके फादर ने, वो भी आपने उसका रिकॉर्ड भी साथ में लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे स्टडी वीजे के लिए, तो जो अगर आप फ्यूचर में स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने चाहिए ताकि वीजा अप्लाई करने में देरी ना हो और जल्द आपका वीजा अप्लाई हो सके। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे फ्यूचर में कनेडा के लिए स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप फिर भी हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 पे कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, कोई धोखाधड़ी नहीं किया जाएगा, जो कैनेडियन इमिग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली जानकारी है वही आप तक पहुंचाई जाएगी। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।